सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सुबह सुबह चमचमाती धूप और भाई मौसम एकदम साफ, नीला आसमान, हल्के हल्के बादल जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, तो अर्जुन छोड़ने जाएगा मकोट से लेके घर तक, गाड़ी मैं ही लाया। और सामने गाँव होनली में देवी का मंदिर है, तो वहाँ नवरात्रि शुरू है, तो आज से वो मंदिर में कीर्तन हो रहे थे। तो भाई अर्जुन ने मुझे गाड़ी सिखाई, बड़े अच्छे तरीके से सिखाई भाई, मज़ा आ गया उसके साथ। और थैंक्स अर्जुन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश नेगी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। भाई आज का दिन एकदम मस्त सुहाना हो रखा है, एकदम चारों तरफ देखने लायक हरियाली और भाई सुबह सुबह चमचमाती धूप और भाई मौसम एकदम साफ, नीला आसमान, हल्के हल्के बादल जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई, देख सकते हो अभी का नज़ारा सुबह सुबह का। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चारों तरफ देख सकते हो पेड़ों पे हरे हरे पत्ते, मतलब मैं नई पत्तियाँ खिल चुकी हैं एकदम मस्त करके। पूरा जंगल कुछ दिनों में पूरा हरा दिखेगा यहाँ का। तो दोस्तों शायद आज मैं अपने घर भी जा सकता हूँ दिन में, अभी थोड़ा देर में, तो देखते हैं क्या होता है, जा भी सकता हूँ नहीं भी, अभी कोई कंफर्म नहीं है। जाएंगे तो बताएंगे आपको भी। तो वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं मुझे आज यहाँ, और गाड़ी भी लगभग सीख चुका हूँ मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि कल को मैं मामा को भी लेके गया बड़े मामा के साथ, तो उन्होंने कहा ठीक चला रहा है, एक आधे दिन और चलाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, आज जाऊँगा तो जाते समय भी मैं ही ले जाऊँगा गाड़ी, तो देखते हैं क्या होता है। कालो है, कालो कालो ओए। भाई चेतन जाएगा अभी, नदी जा रहा है, किसको कुकुर को ले, इसको लेके जा रहा है कालू को, नहला के लाएगा इसको। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:30, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, तो अर्जुन छोड़ने जाएगा और गोलू भी आ रहा है साथ में, और चेतन आज इसने मिस कर दिया आना, ये जा रहा है अभी रामगंगा में रेता निकालने के लिए। बेइज्जती मत कर यार, बेइज्जती के लेवरी करने जा रहा, नहाने मत जाना, ये भी जा रहा है साथ में चेतन का दोस्त, ऐसी कैसे जा रहा है। तो चलते हैं अभी। तो भाई ये हल्के हैं कीनू, देख सकते हो एकदम मस्त, थोड़ा हल्के कच्चे हैं, कुछ कुछ पके हैं इसमें, तो एक खाने पे लगे हैं दोनों के दोनों, और मैं भी। तो भाई चलते हैं घर को आज, तो ऊपर से तो आ गया मामा उनसे मिलके, तो अभी निकलते हैं। तो अभी यहाँ से घर तक गाड़ी मैं ही ले जाऊँगा, अर्जुन घर तक ही जाएगा मेरे को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ घर पर, और भाई मकोट से लेके घर तक गाड़ी मैं ही लाया, बीच में रुके थे एक जगह धड़कों पे, और आधे रास्ते में मम्मी भी मिल गई थी, तो उसे भी बैठा के ले आए, मम्मी बनाएगी खाना, तो अभी खाएंगे, फिर शाम के टाइम अर्जुन शायद चले भी जाएगा। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 2:30, और ये दोनों धो रहे हैं भाई गाड़ी वहाँ से यहाँ, रोज गाड़ी धो रहे हैं भाई ये क्या हम तीन ही। और भाई घर का मौसम देख सकते हो एकदम बादल हल्के हल्के, और ये चीज़ लगी है भाई नई गांव में डस्टबिन, यहाँ पे जो पिछली बार मतलब मैं झाड़ियाँ काटी थी वो सारी जला दी हैं, एक रह गया है वहाँ पे, वो भी जलेगा कभी, धूप तो आई नहीं, सब जगह जला रखा है, मतलब मैं खेत एकदम साफ दिख रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक पधानी अम्मा के घर तक साफ दिख रहा है, नीचे वाला खेत भी। और भाई मौसम तो एकदम चमचमाती धूप। भाई आज दिन का खाना दाल भात घर पर, तो खाते इसे। तो भाई खाना भी खा लिया है, और अभी बज चुके हैं 3, तो मम्मी तोड़ लिया बाकुआ जो उस दिन लगाए थे हमने, तो इसकी सब्जी लायक हो चुके हैं, ये देख सकते हो
मटर के, जैसे जैसे बीन और मटर होते हैं वैसे और के भी बाकुले बाकुआ के बारे नाम मगर कौन ना हूँ बाकुल। ओ बाकुल। भाई लगभग 13-14 दिन हो चुके थे मुझे मखोट में ही, तो इस खेत में मक्के के पेड़ भी उगाए हैं, ये देख सकते हो। भाई अभी बज रहे हैं 5:30, सनसेट ही होने वाला थोड़ा देर में, और भाई ये रोज की तरह लूडो ही खेल रहे हैं, तो गोलू और अर्जुन अभी जाएंगे थोड़ा देर में। और भाई शाम का मौसम, नीला आसमान एकदम देख सकते हो मस्त करके, भाई देख सकते हो भाई कुत्ते ही निकल रहे हैं अभी, भाई इनका नाम नहीं पता मुझे वैसे क्या करके। तो दोस्तों अर्जुनों भी चले गए हैं, मैं गया था उन्हें पोस्ट ऑफिस तक छोड़ने के लिए, वहाँ तक गाड़ी मैं ले गया, तो मेरा पोस्ट ऑफिस में काम था तो वहाँ से अपना सामान भी ला गया और जो काम था वो भी हो गया। तो अभी आ रहा हूँ इधर से भाई गाँव में, फिर से पता नहीं किसके बैल हैं आ रखे नए, और सामने गांव मोहनली में देवी का मंदिर है तो वहाँ नवरात्रि शुरू है, तो आज से वो मंदिर में कीर्तन हो रहे थे तो आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, तो सुन के अच्छा भी लग रहा था। तो चलते हैं अभी घर को, अर्जुन भी पहुँच गया होगा धड़कुआ से आगे या उससे भी आगे। तो भाई अभी शाम के बज चुके हैं 7 और भाई माहौल हो चुका है एकदम धुआँ धुआँ, क्योंकि दिया जलाया था तो नवरात्रि, तो ज़्यादा ही धुआँ हो चुका है अभी। तो दोस्तों तो धुआँ है धूप का और भाई अंधेरा भी हो चुका है। अभी आया पोस्ट ऑफिस गया था तो फिर चले गया कहीं और, तो अभी घर पहुँचाऊँ, तो पापा भी आ गए थे घर पर और फिर अर्जुन लोग भी पहुँच चुके हैं पहले ही, काफ़ी शायद 10-15 मिनट हो चुके हैं कह रहा था, तो वो भी पहुँच चुका है घर पर अपने। तो अभी बनाते हैं चाय सबके लिए, आज बहुत दिनों बाद खुद की चाय पियेंगे, और दिनों तो मानसी बना रही थी चाय घर पर, वहीं अभी तक देवी दे रही थी हमें चाय, तो बनाते हैं चाय पहले ठीक है। तो भाई अर्जुन ने मुझे गाड़ी सिखाई बड़े अच्छे तरीके से सिखाई भाई, मज़ा आ गया उसके साथ, और बस सही तरीके से सिखा रहा था, किसी और को भी सिखा रहा था, मेरे से बड़े बूजी हैं कोई उन्हें भी सिखाया था उसने गाड़ी, तो अच्छे से सिखाता है तो उसने मेरे को गाड़ी सिखाई, तो थैंक्स अर्जुन। तो भाई तैयार है मेरी गुड़ की चाय, सब्जी भी रेडी है और मम्मी ने आटा भी ओल दिया, तो अभी बनाते हैं रोटियां, पहले पीते हैं चाय ठीक है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 7:30 और मैं बनाता हूँ अब रोटियां, और भाई आज की वीडियो तो बस इतनी ही बन पाई। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं प्री एंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।